नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी में। मई का महीना शुरू हो चुका है और हम ये प्रार्थना करेंगे कि आपका मई का महीना बहुत ही ज्यादा अच्छा जाए, मंगलकारी जाए और बहुत ही ज्यादा खुशियां आपके लिए मई के महीने में आए। तो चलिए देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है व्यूअर चॉइस का टॉपिक है हमारा, और एक हमारे व्यूअर है राजेश कुमार जी, उन्होंने हमसे एक क्वेश्चन पूछा था, एक प्रश्न पूछा था कि सर मैंने किसी को उधार दिया है तो वो उधार का पैसा मुझे वो पर्टिकुलर पर्सन वापस नहीं दे रहा है, तो वो उधार कैसे मुझे वापस मिलेगा, जो मेरा दिया हुआ उधार है वो मुझे वापस मिल जाए और जो बंदा है वो सामने से आकर मुझे अपना उधार देकर जाए, जो भी उसने मुझसे पैसा लिया है वो देकर जाए। तो आज हम इसी के ऊपर राजेश कुमार जी का जो क्वेश्चन है उसी को आंसर करते हुए ये छोटा सा वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे आपने किसी को अगर उधार दिया है या आपने किसी को उधार लिया है, तो वो जो हमारी कुंडली है वो कुंडली के छठे घर से उसको देखा जाता है, जो कुंडली का सिक्स्थ हाउस होता है उससे हम ये चेक करते हैं कि हमने किसी को अगर उधार दिया है या हमने किसी से उधार लिया है तो वो कब तक हमारा सेटलमेंट उसका हो जाएगा। तो कुंडली का जो छठा भाव है वो इसके अंदर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए, अगर आपने किसी से आपने पैसे दिए किसी को और आपको वो पैसे वापस चाहिए, तो कुंडली के छठे घर को थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि कुंडली का जो छठा घर होता है उसके स्वामी कौन होते हैं। जो कुंडली का जो छठा घर होता है उसके भाव कारक ग्रह होते हैं शनि ग्रह और मंगल ग्रह। तो अगर आपने किसी को उधार दिया है और आप पैसा वापस चाहते हैं, तो शनि देव की उपासना और मंगल देव की उपासना करना आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। अगर आप इन दोनों की उपासना करते हैं तो निश्चित ही आपको जो आपका उधार दिया हुआ पैसा है वो जरूर वापस मिलेगा। तो कैसे करेंगे हम इसकी प्रार्थना? तो देखिए, अगर आप राजेश कुमार जी के लिए, तो वो पुरुष हैं तो मंगलवार के दिन में वो हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के साथ में लाल कलर के जो पुष्प होते हैं वो हनुमान जी को अर्पित करें। ये बहुत ही अच्छा उपाय है, जो वो करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी लोग भी ये उपाय करेंगे तो जिसी किसी ने भी आपसे अगर पैसा लिया है तो जरूर वो वापस आपको देकर जाएगा। दूसरा उपाय ये है कि मंगलवार के दिन में आप लाल चीजों का दान करें। लाल वस्त्र का दान कर दिया आपने, सिंदूर का दान कर दिया, लाल चीजों का दान करना भी आपके लिए उचित रहेगा, अच्छा रहेगा। हनुमान अष्टक का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा। इसके बाद में देखिए, शनिवार की अगर बात करें, शनिदेव को प्रसन्न करने की बात करें, तो शनिवार को उनकी उपासना करना बहुत अच्छा रहता है। तो शनिवार के दिन में आप शनि भगवान के मंदिर जाएं, वहां पर शनि चालीसा का पाठ करें, शनि भगवान के मंदिर जाकर वहां पर सरसों के तेल का दिया जलाएं, तो ये भी काफी अच्छा उपाय है जिससे आपका उधार दिया हुआ पैसा आपको जरूर वापस मिल सकता है। और एक उपाय हम बताना चाहते हैं यहाँ पे, देखिए कनक धारा स्त्रोत्र में एक बहुत अच्छा उपाय होता है, ये लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने के लिए होता है। कनक धारा स्त्रोत्रम का अगर आप पाठ करते हैं शुक्रवार के दिन अगर करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कनक धारा स्त्रोत्रम का पाठ करते हैं तो इससे भी उधार का दिया हुआ आपका जो पैसा है वो जरूर लौट कर आएगा। उसके बाद में हनुमान जी का बहुत अच्छा उपाय होता है ऋण मोचन मंगल स्त्रोत्र। तो अगर आप ऋण मोचन मंगल स्त्रोत्र का पाठ करते हैं मंगलवार और शनिवार के दिन, तो ये भी काफी अच्छा उपाय है, आपका जो पैसा है वो जरूर आपको वापस मिलेगा। तो ये सारे उपाय अगर हम करते हैं तो बहुत ही जल्द हमें हमारा जो दिया हुआ पैसा है वो जरूर मिलेगा। और एक सावधानी आपको जरूर रखनी चाहिए इसके अंदर कि आप इस समय अगर आप कोई भी मनोकामना आपके दिल में है और आप उसे पूरा करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सात्विक लाइफस्टाइल अगर आप अपनाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सात्विक लाइफस्टाइल इन द सेंस कि आप मांस मदिरा का सेवन ना करें, आप प्याज लहसुन को बहुत ही कम यूज करें, एक दिन यूज करें तो अच्छा रहेगा, नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पान, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, ये सब चीजें जो होती हैं ये राहु को बढ़ावा देती हैं, ग्रहों को अशांत करती हैं। तो कोई भी अगर हम शुभ काम चाहते हैं तो इन चीजों का प्रयोग ना करें तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो आशा करता हूं कि हमारे जो व्यूअर का क्वेश्चन था वो मैंने आंसर कर दिया, और जो हमारे व्यूअर हैं वो इसको जरूर देखेंगे और इससे अपना जो भी उनका इसको फॉलो करके अपना जो भी पैसा दिया हुआ जरूर वापस हो ले पाएंगे। और मैं बाकी सारे व्यूअर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके भी अगर कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि उसके ऊपर भी हम वीडियो लाकर आपका जो भी सॉल्यूशन है उसे बता सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।